टॉपिक है आपका क्रिया और उसके बाद वाच्य। तो इसको समझने के लिए जरूरी है, इंग्लिश पढ़ी है आपने? Yes, बहुत बढ़िया। कौन पढ़ाता है? चलो ठीक है, बॉयस इंग्लिश में है और हिंदी में वाच्य। सर जैसे हिंदी में है वैसे ही इंग्लिश में ग्रामर है तो सेम, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वैसे तो सेम है। तो हमें करना है, बॉयस का टॉपिक है यानी वाच्य, तो समझेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बॉयस जब चेंज करते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब इम्पोर्टेंट है लेकिन बॉयस चेंज करते कैसे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ए हुआ, सुनो बेटा, ए तो इंग्लिश में हुआ एक्टिव और ए हुआ पैसिव, बट हिंदी में वाच्य कैसे होते हैं वो सुनो। तो वो सुनेंगे ध्यान से। सर एक होता है कर्तृवाच्य, एक है कर्मवाच्य और एक है भाववाच्य। भाववाच्य आपको लिखना कैसे है वो सुनो। कर्त को बोलेंगे एक्टिव और कर्म को बोलेंगे पैसिव और इसको बोलेंगे एफ फॉर फीलिंग। मैं आपको तीन एग्जांपल दूंगा, आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और वर्ब क्या होती है, वर्ब आपने पढ़ी है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। अब आप जानते हो कि वर्ब टू टाइप की होती है, एक ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव, एक डाई ट्रांजिटिव होती है, लेकिन हमें यही समझना है। सर जिसमें सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया है और जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया है। जैसे देखो, वह घर जाता है, ठीक है बच्चों, वह घर जाता है, सब्जेक्ट ही हो गया कर्ता, कर्म और क्रिया। देखो बेटा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, समझ गए? तो इसका वॉइस चेंज हो सकता है यानी इसका वाच्य परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जैसे मैं एक बात बोल रहा हूँ, आई एम हैप्पी इंग्लिश का सेंटेंस है, चेंज करो इंग्लिश में, वॉइस चेंज हो जाएगा इसका? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर ये अकर्मक क्रिया है। कौन सी है? अकर्मक, सकर्मक नहीं है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका वॉइस चेंज नहीं होगा, यानी क्रिया का परिवर्तन यानी वाच्य परिवर्तन नहीं होगा। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए फिर से सुन लो, क्रिया के दो भाग हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि ये दिया है यहाँ पर घर, ठीक है, और अकर्मक जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो देखो, मैं जाता हूँ, हाँ इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं जाता हूँ, कहाँ जा रहे हो, तो घर, लेकिन घर इसमें दिया नहीं है, तो इसका वॉइस चेंज यानी वाच्य परिवर्तन नहीं होगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में जब कोई काम करते हैं तो क्या बोलते हैं, दोबारा, क्या बोलते हैं, दोबारा। तो ऐसे ही हिंदी में है, आप समझेंगे किस तरीके से। देखो बस आपको एक बात को ध्यान रखना है कि जब कर्तृवाच्य है तो जो लिखा है वो सेम रहेगा, यहाँ पर क्या आएगा क्रम में, के द्वारा या फिर से द्वारा, ठीक है, या फिर आएगा ने, ठीक है। अगर ये वाले वर्ड आ गए तो समझ जाना कर्मवाच्य है। और भाववाच्य में ये होता है, जैसे होना, ठीक है, जाना, ऐसे कुछ वर्ड से आएंगे, जैसे मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। देखो जैसे मैंने बोला शब्द है, वह है किताब, या फिर सिंपल सा, राम ने रावण को मारा, इंग्लिश में कौन बनाएगा इसका वॉइस, रावण को मारा, इंग्लिश में कैसे बनेगा, रावण वाज किल्ड बाय राम, बहुत बढ़िया, नाइस बच्चे। एक्टिव में बनेगा रावण, या ऐसे राम किल्ड रावण, दिस इज एक्टिव, क्या है, राम किल्ड रावण, ओके, बट वी हैव टू चेंज, जब हम इसको चेंज करेंगे तो बनेगा वॉइस पैसिव में, रावण वॉज किल्ड बाय राम, लेकिन फीलिंग वाला नहीं बन पाएगा। तो ऐसे ये एक्टिव है, ये है मेरा कर्तृवाच्य, कौन सा, कर्तृवाच्य। अब इसका मैं कर्म बना रहा हूँ, कौन सा, कर्मवाच्य, तो कैसे बनेगा, रावण को
रावण को राम द्वारा यानी राम के द्वारा या राम ने मारा, राम के द्वारा मारा गया। तो यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया के द्वारा या से द्वारा, ये है आपका कर्तृवाच्य। अब फीलिंग वाला सुन लो, तीसरा भाववाच्य। जैसे हम लिख सकते हैं अंजलि से रोया, या फिर हम लिख सकते हैं हंसा नहीं, हंसा नहीं जाता या हंसा नहीं जा रहा। तो ऐसे वर्ड होना जाना या जाता या आता, ऐसे वर्ड जैसे उससे चला नहीं जाता है, उससे पढ़ा नहीं जाता है, उससे रोया नहीं जाता है, उससे हंसा नहीं जाता है, ठीक है। ऐसे रोया गाया हंसा, अगर ऐसे वर्ड आ गए ना तो समझ जाओ वहाँ पर क्या होगा, भाव वाच्य। ये तो हुए आपके वाच्य और क्रिया। इसके बाद आता आपका बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक, यहाँ से ये तो वाच्य कंप्लीट है आपके। अब जो टॉपिक बचे वो कौन कौन से हैं, एक रस और एक अलंकार, राइट। बहुत बढ़िया, अब यहाँ से हम पढ़ते हैं रस, वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक।